नंदनवन और तहसील थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर वृद्ध महिला और युवती को चाकू की नोक पर लूट लिया। एक के बाद एक दो वारदातें होने से पुलिस का पसीना छूट गया। 5 अभियान के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। ऐसी जानकारी ACP सचिन थोरबोले ने दी। पता चला है कि वह दोनों घरों में चालक का काम करता था। बीमारी के चलते उसे पैसों की जरूरत थी। पकड़ा गया आरोपी अंबेनगर पार्डी निवासी प्रणय सुरेश निमजे बताया गया। प्रणय फिलहाल रेलवे स्टेशन के समीप RSS कार्यालय में हमाली का काम करता है। सोमवार की दोपहर 12:45 के दौरान वह इतवारी की जैन अस्पताल के पास अमृता पैलेस में रहने वाली रोहित शाह के घर में घुसा। उस समय शाह की बेटी खुशी घर में अकेली थी। प्रणय ने उसे चाकू की नोक पर धमकाया। खुशी ने उसे अपने कान की इमिटेशन ज्वेलरी निकाल कर दे दी। प्रणय ने खुशी से पैसे और ATM भी मांगा। खुशी ने उसे ATM तो दिया, लेकिन पिन नंबर गलत बताया। इसके 1 घंटे बाद प्रणय वाटोड़ा के पांधन रोड पर रहने वाले इंगले परिवार के घर में घुसा। उस समय कमला इंगले और उनकी पोती घर में अकेली थी। प्रणय ने कमला के गले पर चाकू लगाकर धमकाया। उनका सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग निकला। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रणय को जानकारी मिली। करीब शाम तहसील पुलिस ने उसे पार्डी के हनुमान मंदिर के पास जाल बिछाकर दबोचा। शाह और इंगले परिवार की यह वह ड्राइवरी करता था। आज दिनांक 24/1/2022 रोजी दुपारी 12:30 ते 1 च्या दरम्यान पोस्टी तहसील हद्दीतील जो जुना चौक आहे त्या चौकामध्ये एका व्यापाऱ्याच्या घरी एक आरोपी घुसून त्यानं त्यांच्या मुलीला धमकावलेलं होतं आणि तिच्याकडून त्यानं कानातील इयरिंग्स बेंटेक्सचे घेऊन आणि ATM कार्ड तो घेऊन फरार झाला होता। तिथून पुढं तो नंदनवन हद्दीत एक अशीच एक घटना घडलेली होती। नंतर आम्ही टेक्निकल डिटेलच्या आधारे त्या आरोपीचा माग घेतला असता आरोपी प्रणय निमजे हा आम्हाला पारडी हद्दीत मिळून आला आणि त्या आरोपीनं दोन्ही ठिकाणी हे कृत्य केल्याचं आणि तसेच या दोन्ही ठिकाणी तो अगोदर कामाला होता, त्यामुळं त्या ओळखीच्या ठिकाणी त्याला त्याच्या उपचारासाठी पैसे हवे होते, त्यामुळे त्यांनी हे कृत्य केल्याचं कबूल केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN News नागपूर।